इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के वरिष्ठ कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी समेत ईरान के 7 बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी और इस हमले के बाद से ही ईरान बौखलाया हुआ था। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहन ने कहा था कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने भी इसराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। और अब इसी कड़ी में इसराइल पर लेबनान के हिजबुल्ला और इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूहों ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद ही हिजबुल्ला और इराक के प्रतिरोधी समूहों ने उत्तरी इसराइल में एक बड़ा हमला किया है। जिस इलाके में यह हमला हुआ है, हिजबुल्ला उसे इसराइल के जबरन कब्जे वाला इलाका बताता है। हिजबुल्ला का कहना है कि इसराइल ने फिलिस्तीन से साल 1948 में यह इलाका हड़प लिया था। दूसरी तरफ इराक के प्रतिरोधी समूहों ने भी दक्षिण पूर्व सीरिया में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। लेबनान की न्यूज एजेंसी अल मयादीन ने अपनी एक रिपोर्ट में हिजबुल्ला प्रमुख के बयान का हवाला देते हुए ये दावा किया है। हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसने इसराइल की नई नवेली लेमान बटालियन के ऊपर गोला बारूद से हमला किया है। यह हमला उत्तरी इसराइल में किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हिजबुल्ला और इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूहों ने एक साथ उत्तरी इसराइल पर अलग अलग हमले किए हों, बल्कि हालिया दिनों में ये तीनों ही इसराइल पर एक साथ हमले करते आ रहे हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले शीबा फार्म्स में रुसत अल आलाम और कफार चौबा हिल्स में इसराइली सैनिकों के ऊपर रॉकेटों का एक पूरा साल्वो दागा है। इसके अलावा बगदादी सैन्य चौकी पर भी इजरायली सेना की एक टेक्निकल टीम पर भी हमला हुआ है, जो जासूसी उपकरणों की जांच में लगी हुई थी। हिजबुल्ला शीबा फार्म्स के इन इलाकों को अपना बताता है। वहीं इन हमलों के इतर हिजबुल्ला ने इजरायल के रेमोन एयरपोर्ट पर भी एक ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है। हालांकि टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है कि एक अज्ञात ड्रोन इस एयरपोर्ट के करीब जॉर्डन की सीमा में अपने आप फट गया। लेकिन इसराइल पर हमले के अलावा हिजबुल्ला ने जॉर्डन और इराक बॉर्डर के करीब सीरिया के होम्स प्रांत में अमेरिकी सेना के एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन अटैक किया है। इसको लेकर तुर्की की न्यूज एजेंसी एनाडोलू ने स्थानीय रिपोर्ट्स के हवाले से कहा है कि अल्तन्फ बेस पर एक ड्रोन से हमला हुआ था। हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल पर हमले कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इराक के प्रतिरोधी समूहों ने इसराइल के तलनौफ एयरबेस पर एक ड्रोन हमला कर दिया है। जहां पर यह हमला हुआ है वो इलाका दक्षिणी रेवोत से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन हमलों की वजह से क्या इसराइल एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें एक तरफ इसराइल खड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला, हमास, इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूह और यमन का हूती। और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध सुलग सकता है, जिससे पूरी दुनिया अछूती नहीं रहेगी।